सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है। अगर ये सूर्य ना हो तो हमारी अर्थ एंड सारे ह्यूमन खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फैक्ट नंबर एक, चाहे दिन हो या रात, आप जब भी ये फैक्ट्स देख रहे हो या कभी भी कुछ कर रहे हो, तो सूर्य द्वारा छोड़े गए 10,00,000 अरब न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर दो, सूर्यमंडल का 99.24% वजन सूर्य का है। फैक्ट नंबर तीन, अगर सूरज का आकार एक फुटबॉल जितना और बृहस्पति का गोल्फ बॉल जितना कर दिया जाए, तो धरती का आकार एक मटर से भी कम होगा। फैक्ट नंबर चार, प्रकाश सूरज से धरती पर आने के लिए 8 मिनट 17 सेकंड लेता है। फैक्ट नंबर पाँच, संस्कृत भाषा में सूर्य के कुल 108 नाम है। फैक्ट नंबर छः, अगर मान ले कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं, तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा, उसकी शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। फैक्ट नंबर सात, सूर्य एक गैस का गोला है। यह 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% कार्बन एंड ऑक्सीजन और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियॉन से बना है। फैक्ट नंबर आठ, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस है। फैक्ट नंबर नौ, सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। यह वायु इतनी तेज और शक्तिशाली होती है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सूरज के शक्तिशाली गुरुत्व से भी बाहर निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, धरती जैसे शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र वाले ग्रह और वायु से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पृथ्वी के पास पहुँचने से पहले ही मोड़ देते हैं। ध्यान रहे, चुंबकीय क्षेत्र मोड़ता है, वायुमंडल नहीं। फैक्ट नंबर 11, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद धरती और सूर्य के मध्य में आ जाए। यह स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक रहती है। फैक्ट नंबर 12, धरती पर हर जगह 360 दिनों में एक बार सूरज ग्रहण जरूर दिखता है। साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकंड तक रहता है, मगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मिनट तक चलता है। फैक्ट नंबर 13, सूर्य की द्रव्यमान लगभग 1.989×1030 किलोग्राम है। फैक्ट नंबर 14, हर सेकंड सूर्य में 7 करोड़ टन हाइड्रोजन, 6,95,00,000 टन हीलियम में बदलती है और बची 5,00,000 टन गामा किरणों में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 15, हर सेकंड सूर्य का वजन 50,00,000 टन कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 16, सूर्य के अंदरूनी भाग का दबाव धरती के वायुमंडल के दबाव से 340 अरब गुना ज़्यादा है। सूरज के अंदरूनी भाग का घनत्व धरती पर मौजूद पानी के घनत्व से 150 गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 17, अगर सूर्य के केंद्र से एक पनीर के टुकड़े जितने भाग को धरती की सतह पर रख दिया जाए, तो कोई भी चट्टान या कोई भी चीज़ इसे धरती के 150 किलोमीटर अंदर तक घुसने से नहीं रोक सकती। फैक्ट नंबर 18, सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 19, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 60 किलो है, तो सूर्य पर यह 1680 किलोग्राम हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 20, धरती की तरह सूरज ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैसों से बना हुआ है। फैक्ट नंबर 21, सूर्य का गुरुत्व इतना शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह भी इसके गुरुत्व के कक्षा में घूम रहा है। फैक्ट नंबर 22, अगर कोई वस्तु सूरज के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है, तो सूरज उसे अपनी ओर खींच लेगा। फैक्ट नंबर 23, प्रकाश सूर्य से प्लूटो तक पहुँचने में 5 घंटे 30 मिनट लेता है। फैक्ट नंबर 24, जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। फैक्ट नंबर 25, सूर्य अपने ध्रुव की अपेक्षा अपनी भूमध्य रेखा पर ज़्यादा गति से दोलन करता है। फैक्ट नंबर 26, जब से सूरज का जन्म हुआ है,
इसने सिर्फ 20 बार ही आकाशगंगा का चक्कर काटा है। इसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 27, सूर्य के एक वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी ऊर्जा 100 वाट के 64 बल्बों को जगाने के लिए काफ़ी है। फैक्ट नंबर 28, सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की ऊर्जा से 6000 गुना ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 29, जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, उतनी ऊर्जा मानव द्वारा पिछले 40,000 साल में खपत ऊर्जा से कहीं ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 30, अगर मान ले कि सूरज की चमक एक दिन धरती पर न पहुँचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ़ की तरह पूरी तरह से जम जाएंगी। सारी धरती उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसी बन जाएंगी। फैक्ट नंबर 31, नॉर्वे एक लौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्य लगातार 3.5 महीने तक चमकता रहता है। फैक्ट नंबर 32, 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज़्यादा चमकने लगेगा। धरती का वायुमंडल और इसकी नमी अत्यधिक तापमान के कारण अंतरिक्ष में उड़ जाएंगी। फैक्ट नंबर 33, अब से 5 अरब साल बाद सूर्य 40% ज़्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प पर बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 34, अब से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगी और यह खत्म होना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 35, अब से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूरज लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। यह लगभग 200 गुना बड़ा हो जाएगा और बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 36, 7 अरब 90 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफ़ेद बोने में बदल जाएगा, तब इसका आकार सिर्फ शुक्र ग्रह के जितना होगा। फैक्ट नंबर 37, सूर्य हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वस्तु है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। फैक्ट नंबर 38, आकाशगंगा में 5% ऐसे तारे भी है जो सूरज से ज़्यादा बड़े और चमकदार है। फैक्ट नंबर 39, सूरज पर मौजूद 7 करोड़ टन हाइड्रोजन, हर सेकंड 6.95 करोड़ टन हीलियम और 5 लाख टन गामा रेज में बदल रही है। सूरज की तेज रोशनी का कारण यही है। फैक्ट नंबर 40, अगर एक पेंसिल की नोक जितना सूरज पृथ्वी पर आ जाए तो भी 145 किलोमीटर दूर से ही आपकी जलकर मौत हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 41, सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर एक चीता आज पृथ्वी से दौड़ना शुरू करे तो उसे सूर्य तक पहुंचने में 151 साल लग जाएंगे। चीते की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फैक्ट नंबर 42, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक अंडाकार पथ पर करती है। दोनों के बीच की दूरी 14.70 करोड़ से 15.20 करोड़ किलोमीटर के बीच बनी रही। फैक्ट नंबर 43, एक बंदूक की गोली की औसत गति 1126 फुट प्रति सेकंड होती है। अगर यह गोली सूरज की तरफ मारी जाए तो इसे वहां तक पहुंचने में 14 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 44, अगर सूर्य की एक घंटे की सारी एनर्जी को सोलर पैनलों के सहारे बिजली में बदल लिया जाए तो यह दुनिया की एक साल की बिजली की खपत के बराबर होगी। फैक्ट नंबर 45, हर सेकंड सूरज से 1 खरब परमाणु बमों जितनी शक्ति निकल रही है। फैक्ट नंबर 46, सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया होती है। ये बिल्कुल हाइड्रोजन बम फटने पर होने वाली क्रिया जैसी है। फैक्ट नंबर 46, सूरज का असली रंग सफ़ेद है, इसके वातावरण की वजह से ये पीला दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ सन के फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आप और आपका परिवार खुश रहे। जय भारत, जय जननी।